Namaskar. Khulu makha. Jai Ma Tripura Sundari. कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा भौमिक जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय निकायों के साथ पंचायतों के सदस्य और त्रिपुरा के मेरे उत्साही परिश्रमी सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। विकास की ये चमक अपने घर और सम्मानपूर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास त्रिपुरा को और समूचे पूर्वोत्तर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इससे हमें स्वाभाविक रूप से उत्साह, उमंग, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये सफलता, उम्मीद की नई किरण अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिंदगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और उसमें एक किरण नजर आ जाए तो उसकी चमक कई गुना ज्यादा होती। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है।
अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते चार वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है और वो भी एक साथ एक ही बार में एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूर्व आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था, लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस ओर भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है,
उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं। और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है। अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। साथियों, भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर दोगुनी यानी 20 लाख कर दी गई है। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, बिप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बेंबू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी हैं। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, कैसे कम समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं, सीमित समय में नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, आज मैं त्रिपुरा को बधाई देता हूं कि त्रिपुरा ने करके दिखाया है। पहले यहां कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले अपने एक एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सैलरी मिल जाए इसके लिए परेशान रहते थे, अब उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है।
पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी, वही अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन है। हमारा पूर्वोत्तर तो देश की सबसे पुरानी और समृद्ध आदिवासी संस्कृतियों का भी केंद्र है। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। और जब जनजातीय गौरव दिवस की मैं बात करता हूं, जैसे आजादी के पूरे आंदोलन में 15 अगस्त का एक विशेष मूल्य है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मूल्य है, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में राम जन्मभूमि का राम नवमी का महत्व है, जैसे हमारे जीवन में कृष्णाष्टमी का महत्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में स्थान है, जैसे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जन्म जयंती देश की एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुई, वैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी करना चाहते हैं, इन सबको उमंग के साथ आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव, देश का ये महोत्सव पूर्वोत्तर के रंगों और यहां की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में
आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश जिन ऊंचाइयों को हासिल करेगा उसका नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये मेरा पूर्वोत्तर को करना है। आज पूर्वोत्तर में विकास को हर दिशा में, हर आयाम में गति दी जा रही है। यहां प्रकृति और पर्यटन से जुड़ी इतनी अपार संभावनाएं हैं, दक्षिण एशिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं, व्यापार के अपार अवसर है। ये सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पिछले दशकों में इस दिशा में जो कमी रह गई उसे आज तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं। इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझकर छोड़ दिया जाता था, वहां नए नए हाईवे बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी नई रेल लाइनों के लिए, नए नेशनल हाईवे के लिए काफी काम हुआ है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पूर्वोत्तर की पहचान को, यहां की प्रगति को नए सिरे से घड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ये संकल्प, पूर्वोत्तर में आ रहे ये बदलाव निकट भविष्य में देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। फिर एक बार इतने बड़े महत्वपूर्ण काम, छोटे से राज्य में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण छलांग मुझे भी गर्व देती है, आनंद देती है। आप सब लाभार्थियों को, त्रिपुरा के नागरिकों को, पूर्वोत्तर के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।